नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। छात्रावास दिवस पर रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने कन्या परिसर का भ्रमण किया और छात्रावास में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। छात्रावास दिवस कार्यक्रम में कलेक्टर ने कहा कि ज्ञानोदय छात्रावास परिसर को व्यवस्थित किया जाएगा, परिसर की साफ सफाई कराकर यहाँ वृक्षारोपण तथा फल फूल एवं सब्जियाँ लगाई जाएंगी। इनकी देखभाल की जिम्मेदारी छात्रावास के विद्यार्थियों की होगी। कलेक्टर ने छात्राओं से संवाद करते हुए कहा कि सरकार बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में अवसर और सुविधाएं दे रही है। कक्षा 9वीं से ही छात्राएं अपने करियर का चुनाव करके उसके अनुरूप तैयारी करें, मन लगाकर पढ़ाई करें, पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दें, अच्छा और पोषक भोजन के साथ खेल कूद गतिविधियों में भाग लें। बेटियों को आगे चलकर अपने करियर के साथ साथ घर परिवार की भी जिम्मेदारी उठानी है। इस दोहरी जिम्मेदारी के लिए हर बेटी का शारीरिक और मानसिक रूप से दृढ़ होना आवश्यक है। परिसर में बड़ी संख्या में मुनगे के पौधे रोपित कराए जाएंगे। मुनगे का उपयोग भोजन में अवश्य करें, इससे कई आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। कलेक्टर ने कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं की विजेता छात्राओं तथा कक्षा 10वीं एवं 12वीं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में परियोजना अधिकारी जिला पंचायत डॉक्टर संजय सिंह, जिला संयोजक डीएस परिहार, प्राचार्य प्रभाकर तिवारी, श्रीमती रीता त्रिपाठी, अधीक्षक तथा विद्यार्थी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अंतर्गत आज हॉस्टल डे मनाया जा रहा है और इसमें आज हमने शहर के हॉस्टल्स का निरीक्षण किया है। बच्चे काफ़ी प्रसन्न हैं, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की तैयारियां कर रहे हैं। साथ में हम लोगों ने यहां की जो मूलभूत आवश्यकताओं हैं उनका भी परीक्षण किया है, बच्चों की ज़रूरतों का आकलन किया है। बच्चे के जो किचन है, जो उनका कमरे हैं, उनके बाथरूम हैं, उनमें जो ज़रूरतें हैं उसका भी आकलन कर रहे हैं। अभी पिछले सालों में काफ़ी हॉस्टल्स को ठीक किया गया है, इस बार भी हम लोग जो विभाग के मद हैं और DMF के मद हैं उससे इन हॉस्टल्स को और खूबसूरत बनाएंगे, ताकि बच्चे जो अच्छे वातावरण में रहें और अपनी प्रगति के लिए मेहनत करें, खुश रहें। खेल कूद की भी यहाँ व्यवस्थाएँ हैं और उसको भी और बेहतर तरीके से करने की सारी कोशिशें की जा रही हैं।